जनता बोलेगी सुनेंगे सब बेबाक बेखौफ बोल इंडिया बोल। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्वागत है आपका बोल इंडिया बोल में, मैं हर्षिता चौधरी। शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबर से। अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्र सचिव पूजा शकुन पांडे ने बुधवार को महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि को नाथूराम गोडसे की याद में शौर्य दिवस के रूप में मनाया। पूजा शकुन ने गांधी जी के पुतले को 3 गोली मारकर उसका दहन भी किया। बी दास कंपाउंड जीटी रोड पर अखिल भारत हिंदू महासभा ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम का नाम महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की याद में शौर्य दिवस रखा था। इसमें पूजा शकुन पांडे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को गद्दार बताया और गोडसे को भगवान कृष्ण की संज्ञा दी। शकुन ने कहा कि अगर गांधी और जीवित रहते तो देश का विभाजन और कई बार हो जाता, इसीलिए गांधी की तस्वीर को 3 गोली मारकर उनका पुतला भी दहन किया। नाथूराम गोडसे ने देश का बंटवारा करने वाले का वध किया था, इसीलिए अखिल भारत हिंदू महासभा 30 जनवरी को गांधी वध को शौर्य दिवस के रूप में मनाती है। जैसे गोडसे ने गांधी का वध किया था, ठीक उसी तरह से महासभा ने भी प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि हम गोडसे पर गर्व करते हैं। पुलिस ने इस मामले में अखिल भारतीय हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडे, उनके पति अशोक कुमार पांडे, महिला कार्यकर्ता उत्मा सिंह समेत अन्य 10 आरोपियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। और खबर ये भी है कि एक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। सारे अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूले बोल इंडिया बोल। Yeah, yeah, yeah.